यार मुझे ना आप में से कितने सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि ईट सिंधी फूड फॉर 24 आवर्स। वेल चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो यार, सिंधी पीपल आर नेटिव्स ऑफ सिंध व्हिच इज नाउ इन पाकिस्तान। पार्टीशन के समय सिंधीज केम टू इंडिया एंड वो अपने साथ लाए थे बढ़िया बढ़िया सिंधी खानों की रेसिपीज। देयर आर एंडलेस वैरायटी ऑफ सिंधी फूड। मैंने आज से पहले ना सिर्फ सिंधी खाने में दाल पकवान खाया है एंड इट वॉज यम। तो अभी मैं हूँ मुंबई में एंड मैं बता रहा हूँ मजे आने वाले हैं आज। So, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं सिंधियों के ऑफिशियल ब्रेकफास्ट से, विच इज कोकी पापड़। मैं ना अभी हूँ कैलाश पर्वत पे और यहाँ पे ना बढ़िया वाला सिंधी खाना मिलता है। तो मैं रुका हुआ हूँ अंधेरी ईस्ट में आई गैस, और यार वहाँ पे बस मैंने गूगल किया कि बेस्ट सिंधी फूड अराउंड मी एंड गूगल ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। तो भाई मैं इनका मेन्यू देख रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था, जिसमें से कि पहली चीज़ थी कोकी, KOKI, which is a very traditional, very famous Sindhi breakfast, और मैंने already order कर दिया है। This is the koki. इसको ना इन्होंने घी में बनाया और इसमें I can see onions, और ये साथ में मुझे दिए इन्होंने curd. इसको इसके साथ खाना है and we have to enjoy it. Oh, by the way, मैंने आपको बताया नहीं, इन्होंने साथ में मुझे पापड़ भी दिया, तो आई गेस इसको भी साथ में खाना ही होगा तभी मिला है। ऑलराइट, लेट्स मेक अ बाइट ऑफ आर कोकी। यार ये इतनी ज़्यादा घी में पकाई गई है ना, मतलब द रोटी इज़ लाइक टूट रही है बीच बीच में से, मतलब दिखने से पराठा लग रहा है बट इट इज़ कॉल्ड कोकी। ओके, सिंधी ब्रेकफास्ट। भाई लिटरली भाई आई कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ घी, बट भाई क्योंकि इन्होंने इसमें अनियन यूज़ किया है तो अनियन का एक अलग ही पंच आ रहा है। एक बार भाई पापड़ के साथ ट्राई करूँ। ओके, पापड़ के साथ ऐसा लग रहा है कि जस्ट एड ऑन टू अ क्रंच। बाकी तो भाई दही और कोकी बढ़िया कॉम्बो है। मतलब अगर शॉर्ट में बताया जाए, कोकी इज़ लाइक अ पराठा विच इज़ मेड इन घी। ठीक है, अब इसको मैं रैप अप करता हूँ और फिर बढ़िया और सिंधी खाना ढूंढते हैं। कोकी वाइंड अप करने के बाद मैं फिर से निकल गया इन सर्च ऑफ मोर बढ़िया वाला सिंधी फूड एंड आई केम अक्रॉस दिस प्लेस कॉल्ड सिंधफुल। जब मैंने इनका मेन्यू देखा तो मुझे पता चला यार इनके पास तो बढ़िया बढ़िया ऑथेंटिक सिंधी खाने मिलते हैं। मुझे पहले लगा था कि यार ये प्रॉपर रेस्टोरेंट है, देन आई गॉट टू नो कि भैया यहाँ तो सिर्फ अभी टेक अवे होने वाला है। और टेक अवे में मैंने ऑर्डर किया था आलू टुक चाट और सिंधी कड़ी। भाई सिंधी कड़ी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर नॉर्मल कड़ी। पूरा सीन बताऊंगा मैं आपको सिंधी कड़ी का, बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट रश बाय हाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रश इज वन ऑफ द बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप। ये भाई बाकी ऐप से बहुत डिफरेंट है, इसमें आपको अमेजिंग ग्राफिक्स क्वालिटी और एक्सपीरियंस मिलता है। ये ऐप ना हाइक ने बनाया है और ये ऐप बहुत ट्रस्टवर्दी भी है। इस ऐप के तो ऑलरेडी 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप के अंदर बहुत सारी गेम्स है जैसे कि स्पीड लूडो, कैरम, ब्रिक स्मैश एटसेट्रा, और इन गेम्स को खेल के मारूफ खान फ्रॉम यूपी ने टाटा पंच भी जीती है। अब आप भी जीत सकते हैं बाइक, स्कूटी या फोन। कैसे भाई? यहाँ पे आप सारे मिशंस कंप्लीट कीजिए एंड हर 48 आवर में एक बाइक जीतने का मौका पाइए। यही नहीं, इनके रेफर और अर्न प्रोग्राम में भी पार्ट लो, और अगर आपने इनके रेफर बोर्ड को टॉप कर लिया तो टॉप 3 स्कोरर्स को मिलेगा एक स्मार्टफोन एनफील्ड या जीतने का मौका। सही है ना? और तो और दिवाली रश पे इस बार मिल रहा है 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइज जीतने का मौका। इस मौके को हाथ से मत जाने दो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। लॉगिन करने पे यहाँ पे 50 रुपीज का साइन अप कैश भी मिलता है, और यहाँ पे सारे रियल प्लेयर्स हैं और ये ऐप 100% सेफ है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो एंड डाउनलोड दी ऐप नाउ। अब हम सिंधी कड़ी खा सकते हैं। नहीं, पहले आलू टुक चाट खाएंगे फिर सिंधी कड़ी। अभी ना मैं हूँ खार वेस्ट में, मुंबई में एक जगह है खार वेस्ट। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बाय द नेम ऑफ सिंधफुल। यार बड़े अच्छे सिंधी सिंधी खाने हैं यहाँ पे, बट मैंने ना इनकी सिंधी कड़ी और चावल लिया है और मैंने लिया है आलू टुक। ये आलू टुक ना जो कैलाश प्रभात वहाँ पे भी थे, बट मैंने कहा चलो ठीक है कभी बाद में खाएंगे। तो आलू टुक एंड सिंधी कड़ी, दिस इज द लंच आई हैव सिक्योर्ड फॉर माई सेल्फ। और जब मैं जोमैटो बोल रहा था ना, सिंधफुल मतलब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट था, बट व्हेन आई रीच द स्पॉट देन आई रियलाइज्ड कि यार वो अब टेक अवे बन चुका है। तो मैंने फूड सिक्योर किया और मैं अपनी गाड़ी में आ गया, और अब मैं
अपने आलू टोक और सिंधी कड़ी एंजॉय करने वाला हूँ। भाई सिंधी कड़ी का सीन एकदम अलग है, मुझे नहीं पता था सिंधी कड़ी ऐसी होती है। आलू टुक का आपको सीन बताता हूँ। तो भाई आलू टुक ना ये बनाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दे टेक आलू, उसको बॉईल किया जाता है, फिर उसको मैश किया जाता है, तभी इसकी इसका इसका सीन देखो। फिर इसको शैलो फ्राई करके इसमें मसाले वसाले डाल के सर्व किया जाता है। दैट्स हाउ आलू टुक इज मेड, मतलब गूगल ने तो यही बताया था। और जब आलू टुक मेरे सामने आया तब मुझे लग भी यही रहा है ऐसे ही कुछ किया होगा। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर बड़े मसाले वसाले डाले हुए हैं। ऑलराइट, ओहो हो भाई मसाले, ओए होए सिंधी लैंग्वेज में बड़े हो गए थे। ये चाट एकदम वैसी है, बहुत अच्छी है। आलू टुक वॉज मजेदार, बट इस मोमेंट पे ना मेरे माइक ने मेरा कम्प्लीटली साथ छोड़ दिया था। बट सिंधी कड़ी तो भाई फिर भी इंजॉय करेंगे। जो मेरे घर में कड़ी बनती है ना उसमें सिर्फ पकोड़े होते हैं, बट सिंधी कड़ी में यार इतनी सारी वेजीज होती हैं। द कड़ी वॉज लिटिल थिन इन कंपेरिजन विद द नॉर्मल कड़ी। इसके अंदर इन्होंने लेडी फिंगर, आलू और बीन्स डाले हुए थे, मतलब ये सारी वेजीज मुझे समझ आई थी उस समय। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेजीज इन अ कड़ी इज कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट नॉर्मल कड़ी जैसा ही फ्लेवर आ रहा था मुझे इसका। Although इसमें कुछ ऐसी वेजीज थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट आई लाइक द कड़ी फॉर द फ्लेवर्स। अब भाई इतना सारा खाना खाने के बाद ना बढ़िया सा मीठा खाना तो बनता है, तो मुझे गूगल ने एक स्वीट शॉप रिकमेंड की जिसका नाम है थारोमुखी भंडार। एंड लिटिल डिड आई नो कि दिस इज एन ऑथेंटिक सिंधी स्वीट शॉप। दे हैड सो मेनी वेराइटीज ऑफ स्वीट्स, यार दीज गाइज वर सो काइंड। ये लोग ना अपने आप ही मुझे स्वीट्स टेस्ट कराए जा रहे थे। ऑनेस्टली मेरा तो पेट वहीं भर गया था, बट मैं ना दो डब्बे भर के स्वीट्स लेके आया इनसे। यार जिस स्वीट शॉप में मैं गया था ना, एक सेकेंड फोकस में तो हूँ ना मैं, हाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने रिकॉर्ड किया था तब मैं फोकस में नहीं था, तो अब मैं फोकस में हूँ। हाँ तो थारोमुखी स्वीट शॉप से मैंने ये भाई घियार लिया, विच इज़ एक्चुअली अ जलेबी। मतलब मैं स्वीट शॉप में गया, मैंने उनको कहा सर आप ना मुझे कोई सिंधी स्वीट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जितनी स्वीट्स हैं वो सारी सिंधी हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा सारा दे दीजिए। तो मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, एक तो भाई गाड़ी में पड़ा है वो मैं खोलने नहीं वाला, एक बॉक्स में है मेरे पास घियार एंड आई हैव ड्राई फ्रूट रोल। सो दिस इज दी घियार, यार ये घियार नहीं, ये मैं इसको जलेबी बोलता हूँ। ये एक बड़े साइज़ की जलेबी है जो कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो गई थी, रास्ता भूल गई थी, तो एक ही जगह पर बहुत बार घूम रही थी, तो इसलिए चलो ठीक है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट, वैसे ऑनेस्टली मैं इसको ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका हूँ, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ ये जो घियार है ना इट्स लाइक अ डिफरेंट मीठा। मतलब ये जलेबी तो बिल्कुल नहीं है, ये अलग ही तरीके का मीठा है एंड ऐसा मीठा कभी मैंने खाया नहीं है पहले। सो दिस इज़ घियार फॉर यू। और मुझे इन लोगों ने बताया था कि जो ये घियार है होली पे इट सेल्स अ लॉट। ओके दिस इज़ द ड्राई फ्रूट रोल, मैं ऑलरेडी ये खा चुका हूँ बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आ रहा है और सही है, नॉट बैड। अब यार मैं थोड़े लोग यार खाऊँगा, ड्रोन लाया हूँ, ड्रोन उड़ाऊँगा आपको भाई, थोड़ा सा मुंबई दिखाऊँगा, देन लेट्स हेड बैक टू द होटल एंड हैव अ डिनर। बात ऐसी है मैं ना हो गया थोड़ा लेट, दुकानें बंद हो गई थी इसलिए ना मुझे सिर्फ दाल पकवान ही मिला है, तो अब दाल पकवान है और हमारा ये बचा है। भाई आई हैव दी दाल पकवान, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया यार, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मतलब बंद हो गई थी, तो ये भाई इस जगह पे मुझे दाल पकवान मिला जाके, बढ़िया सा इन्होंने पैक कर दिया। Here's the पकवान, ई है भैया हमारी दाल और ई लग रही है चटनी। जयपुर वाला दाल पकवान भाई बढ़िया लगा था यार मुझे, बहुत यम था। मुझे ना बताया गया था कि दाल को ऐसे पकवान के ऊपर डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है तो मैं इस बार ढंग से खाऊंगा। अगर मैं अभी भी गलत खा रहा हूँ तो मुझे फिर से बता देना यार, ठीक है। चीयर्स, वैसे भाई सिंधी में चीयर्स को क्या बोलते हैं मुझे बताओ भाई, मुझे जानना है। ओए हो, मज़ा तो भाई पूरा पूरा ग्रीन चटनी की वजह से आ रहा है, क्या पंच है ग्रीन चटनी में यार। देखो
कुछ भी कह लो, सिंधी लोगों ने ना ये दाल पकवान सही चीज़ बनाई है भाई। अगर ये दिल्ली में थोड़ा एक्सेसिबल हो ना, मुझे घर के आसपास मिल जाए, तो ये हर हफ्ते आने वाला है, इतना सही लगता है मुझे। आई नो कि बढ़िया वाला और वैरायटी वाला सिंधी खाना कल्याण और उल्हासनगर में मिलता है, बट यार वो बहुत दूर है और मैं लिटरली बहुत दूर हूँ इन दोनों जगह से, और नहीं हो पाता यार, बहुत टाइम लग जाता। बट आज जो जो मैंने खाना खाया ना, मज़ा आया सच में। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी सिंधी खाना, एंड मुझे तो भाई एक बहाना मिल गया दाल पकवान फिर से खाने का, ठीक है। तो भाई आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट रश बाय हाई गेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टू चेक आउट।